तो हेलो फ्री फायर लवर्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आ चुका हूं एक और न्यूडी के साथ। एंड आज की इस वीडियो में हम यहां पर बात करने वाले हैं कि आप ऑटोमेटिकली वर्ल्ड पे गिल्ड के लिए कैसे रिक्वेस्ट भेज सकते हो। तो भाई ये काफी बोरिंग होता है कि आप गिल्ड में जाकर बैठे रहो एंड जो ये स्पीकर वाला ऑप्शन है इसके ऊपर बार बार क्लिक करते रहो, तो भाई ये काफी बोरिंग होता है। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आप ऑटोमेटिकली वर्ल्ड पे रिक्वेस्ट कैसे भेज सकते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना अगर तुम लोगों को भी भाई वर्ल्ड पे ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट भेजना सीखना है। तो सबसे पहले तुम लोगों को क्या करना है, एक गेस्ट अकाउंट ओपन कर लो एंड उससे क्या करना है, जो तुम लोगों का गिल्ड है उसे ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद जो तुम लोगों का मेन अकाउंट है उस पे आ जाना है। जो तुम लोगों का गेस्ट अकाउंट है ना उसे मैनेजर बना देना है, जैसे गिल्ड का एल्डर बोला जाता है, आई थिंक कुछ इस तरह ही होता है। देन सिंपल तुम लोगों को गेस्ट अकाउंट को ओपन कर लेना है। देन क्या करना है, प्ले स्टोर पर आ जाओ। प्ले स्टोर पर आने के बाद यहाँ पर तुम लोगों को सर्च करना है ऑटो क्लिकर। ऑटो क्लिकर सर्च करने के बाद यहाँ पर तुम लोगों को टॉप पर एक ऐप देखने को मिल जाएगी, ऑटो क्लिकर। मैंने इसे यहाँ पर इंस्टॉल कर रखा है। सिंपल तुम लोग क्या करना है, इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर इस ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस ऐप को ओपन कर लिया एंड यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो जो इसका इंटरफेस है कुछ इस टाइप का होता है। एंड यहाँ पर सिंपल तुम लोगों को ओके के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर तुम लोगों को ऑटो क्लिकर का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसको यहाँ पर ढूंढ लेना है। तो मैं यहाँ पर ऑटो क्लिकर वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसे ऑन कर देना है, ये ऑफ होगा, इसे ऑन करना है। ऑन करने के बाद सिंपल ओके कर देना है। एंड देन क्या करना है, तुम लोगों को सीधा बैक आ जाना है ऐप में। एंड अब तुम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर तुम लोगों को दो मोड देखने को मिलना है, एक सिंगल टारगेट मोड है, एक मल्टीपल टारगेट मोड है। तो यहाँ पर भाई हमें सिंगल टारगेट मोड जो है उसे इनेबल कर देना है। तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या करूंगा, इनेबल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दूंगा एंड यहाँ पर जो ये मोड है ये इनेबल हो जाएगा। एंड यहाँ पर तुम लोगों को एक सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पर एक टारगेट देखने को मिल जाएगा। इतना करने के बाद सिंपल तुम लोगों को क्या करना है, जो गेम है उसे ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर गेम को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने गेम को ओपन कर लिया। गेम को ओपन करने के बाद सिंपल तुम लोगों को क्या करना है, गिल्ड में आ जाना है। तो मैं यहाँ पर सीधे गिल्ड में चला जाता हूँ। गिल्ड को ओपन करने के बाद सिंपल मेंबर्स के ऊपर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर जो भाई हमारा ये टारगेट वाला ऑप्शन है ना इसको पकड़ना है एंड जो स्पीकर वाला ऑप्शन है उसके ऊपर जाकर रख देना है। एंड अब सिंपल तुम लोग क्या करना है, यहाँ पर जो ये सेटिंग वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो मिली सेकंड वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर तुम लोगों को क्या करना है, जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो चूज कर लेना है। चूज करने के बाद यहाँ पर जो 100 आ रहा है इसको यहाँ पर 100 को हटाकर यहाँ पर 20 कर देना है या फिर 50 कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर से 20 कर रहा हूँ। 20 करने के बाद सिंपल तुम लोग क्या करना है, यहाँ पर डन कर देना है। डन करने के बाद यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो सेटिंग होगी वो सेव हो जाएगी। एंड अब सिंपल तुम लोग क्या करना है, यहाँ पर जो ये प्ले वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही तुम लोग इस प्ले वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दोगे, अब ये क्या करेगा, हमने यहाँ पर 20 चूज किया था तो भाई ये हर 20 सेकंड के बाद वर्ल्ड के ऊपर ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट भेजता रहेगा। एंड आई होप कि तुम लोगों को ये ट्रिक काफी अच्छी लगी होगी एंड इस ट्रिक को तुम लोग यूज करके इजिली अपने गिल्ड में मेंबर्स ऐड कर सकते हो। एंड इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि तुम लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड मैं आपको मिलूंगा ऐसी कॉर्न की वीडियो में। तो बाय फ्री फायर लवर्स।